ิดหอหวังมีน้ำแดงแล้วจะกินน้ำส้วงมีน้ำส้วงแล้วกินน้ำแดงว่าไม่แรงแต่กูทำมันม่วงชีกูไม่ม่วงแต่กูยังมีแรงว่าหัวแดงแล้วก็ทำลื้อลวงไอ้ตัวไปลีฟดัสเดี๋ยวเธอทำมาเดี๋ยวเธอทำอัศมพังกังว่าไอ้เหี้ยอัศมพังแดงจนอัศมพังมีน้ำส้วงแล้วจะกินน้ำแดงมีน้ำแดงแล้วจะกินน้ำส้วงมีน้ำส้วงแล้วจะกินน้ำแดงโอ้ยบ้าบ้าतो और लौंडो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है कि तुम लोग बहुत ही अच्छे होगे, और नहीं भी होगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में तुम्हारा भाई तुम लोगों को कुछ अचानक भयानक भयंकर ट्रिक्स और कुछ ऐसे बग्स और ग्लिचेस बताने वाला है ना, जिनको देखने पर तुम लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। तो तुम लोगों को करना ये है कि तुम लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में ना तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ना तुम लोग मुझे यही बोलने वाले हो, मजा आया। और हाँ, अगर तुम लोग इस चैनल पे नए आ रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और पुराने हो तो कोई बात नहीं, तुम लोग वीडियो देखो आगे। ओके तो उम्मीद है कि जितने भी नए लोग आ रहे हैं इस चैनल पे उन्होंने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, तो चलो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं बैठचंद, मजा आएगा। तो अभी अपने सबसे पहले नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए तुम लोग परगेटरी मैप के ना इस वाले पत्थर के पास आ जाना। तुम लोग ध्यान से देख लो, तुम लोग इसी वाले पत्थर के पास इसी वाले लोकेशन पे आ जाना अपने मिनी लॉन्च पैड को लेके। और फिर तुम्हारा जो मिनी लॉन्च पैड होता है ना उसको इस वाली जगह पे ना कुछ ऐसे इस वाली जगह पे लगा देना है। और ना जैसे तुम्हारा मिनी लॉन्च पैड प्रॉपर लग जाएगा उसके बाद तुम लोग इसके ऊपर चढ़ना है। फिर तुम्हारा जो लीव और मिनिमाइज का बटन होता है ना दोनों को साथ में दबा के गेम में वापस आ जाना। एक बार करोगे नहीं होगा, लेकिन दूसरी बार करोगे तो ट्रिक वर्क कर जाएगा। और जैसे तुम लोग गेम में वापस आ जाओगे ना देख सकते हो तुम लोग पूरा पत्थर के अंदर आ चुके हो। और ना भाई जैसे ही तुम लोग इस वाले पत्थर के अंदर आ जाओगे यहाँ पे आने के बाद ना तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो, बहुत सारे किल भी कर सकते हो, क्योंकि इस वाली जगह पे ना तुम लोग को कोई नहीं देख पाएगा। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो तुम लोग ना पूरा पत्थर के अंदर जा चुके हैं, जो कि देखने में काफी खतरनाक लग रहा है। मतलब कि यहाँ पे ना तुम लोग को कोई देख भी नहीं पाएगा, और बहुत आराम से ना तुम लोग बहुत सारे किल कर पाओगे और बहुत आराम से अपना रैंक पुश भी कर पाओगे। और अगर तुम लोग अपने फ्रेंड के सामने पहली बार इस वाले ट्रिक को करने वाले हो तो पूरा पगला ही जाएंगे, मतलब पूरा खौफ में आ जाएंगे क्या ही ट्रिक वाले, तो मतलब तुम लोग हैकर बन चुके हो ऐसा लगेगा। और ना अगर तुम लोग इस वाली जगह पे आगे किसी ने को या किसी बंदे को मारते तो भी पूरा पगला जाने वाला है कि कहां से मुझे गोली पड़ रही है और कहां से मैं मर गया। और अगर तुम लोग बहुत जल्दी से जल्दी ना अपना रैंक पुश करके हीरोइक और ग्रैंड मास्टर भी जाना चाहते हो तो तुम लोग के लिए ये वाली ट्रिक ना काफी यूजफुल होने वाली है। और इस वाली ट्रिक का इस्तेमाल करके तुम लोग बहुत सारे किल करके बहुत आराम से अपना ग्रैंड मास्टर भी पुश कर पाओगे। नाइस। अभी अपने दूसरे नंबर वाले ट्रिक को करने ना सबसे पहले तुम लोग एक बाइक ले लेना है। फिर जैसे ही तुम लोग बाइक लेके इस वाली जगह ना मैं किसी भी जगह पे चले जाना है तुम लोगों। और फिर तुम लोग एक ग्लोबल को लेना हाथ में, उसके बाद तुम लोग को जंप करना है और ग्लोबल को लगा देना है कुछ ऐसे। तुम लोग ध्यान से देख लो, पहले ग्लोबल हाथ में लेना है, फिर तुम लोग को जंप करना है, ग्लोबल को लगा के ड्राइव के बटन पर क्लिक करना है। और जैसे तुम लोग ड्राइव के बटन पर क्लिक करोगे ना उसके बाद देख सकते हो तुम्हारा करेक्टर ना कुछ ऐसे गाड़ी को बिना हाथ लगाए पकड़े हुए है। और यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारा करेक्टर ना बिना गाड़ी के हैंडल पकड़े कुछ ऐसे अपनी गाड़ी को चला रहा है, अपनी बाइक को चला रहा है, जो कि देखने में काफी खतरनाक लग रहा है। और इस वाली ट्रिक को कोई नेमी देखेगा ना करते हुए तो मतलब पूरा पगला ही जाने वाला है कि क्या ही ट्रिक है। और अगर तुम्हारे फ्रेंड्स भी इस वाली ट्रिक को देखते हैं ना तुम्हें करते हुए तो वो भी पूरा पगला ही जाने वाले हैं कि क्या ही ट्रिक है वाली। और इस वाली ट्रिक को करने के बाद ना तुम लोग बहुत ही आराम से अपने फ्रेंड को शॉक भी कर सकते हो, नेमी को अपने भी शॉक कर सकते हो, और बहुत ही आराम से ना तुम लोग मजे कर सकते हो इस वाली ट्रिक का इस्तेमाल करके, और उन्हें बोल सकते हो तुम कर सकते हो क्या वाली ट्रिक। क्यों हिला डाला ना? तो अपने तीसरे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग को ये वाली गाड़ी लेनी है जो कि पानी और जमीन पे दोनों साइड चल सकती है। फिर तुम लोग ना सीपीआर की इस वाली जगह पे आके कोपचे में गाड़ी को फंसा देना है, और फिर तुम लोग को गाड़ी के ऊपर आना है। फिर तुम लोग को करना है ना कि यहाँ पे आने के बाद तुम्हारा जॉयस्टिक का बटन तो आगे करके जंप करना है, और फिर तुम देख ही सकते हो ना पूरा तुम लोग गाड़ी के अंदर आ चुका है। और जैसे ही तुम लोग बैठोगे ना तुम लोग पूरा ऊपर आ जाओगे, और जैसे ही तुम लोग यहाँ पे आ जाओगे यहाँ से तुम लोग बहुत आराम से अपना रैंक पुश भी कर पाओगे और बहुत सारे किल भी कर पाओगे। और लिटरली ना इस वाली जगह पे तुम लोग कोई नहीं देख पाएगा, और इस वाली जगह पे आने के बाद तुम लोग बहुत सारे किल कर पाओगे और बहुत ही आराम से ना अपना रैंक पुश भी कर पाओगे। और यहाँ पे तुम लोग कोई नोटिस भी नहीं कर सकता है, और यहाँ पे आने के बाद ना सिर्फ तुम लोग का सीरी नीचे दिखाई देने वाला है, ऊपर से दिखाई देने वाला है। तुम लोग बहुत आराम से यहाँ से बहुत सारे किल करके अपना रैंक पुश कर सकते हो। और ना अगर तुम लोग पहली बार इस वाली ट्रिक को अपने फ्रेंड के सामने करने वाले हो ना तो पूरा पगला ही जाएंगे कि क्या ही ट्रिक है वाली। मतलब यहाँ से किसी एनिमी को भी तुम लोग मारने वाले हो ना तो जब तुम्हें देखेंगे तो पूरा पगला ही जाएंगे कि तुम हैकर हो क्या, क्योंकि पूरा मतलब कंटेनर के अंदर आगे बंदों मार रहे हो कुछ भी। अभी अपने चौथे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग इस वाली जगह पे आ जाए जो कि अपने बीमा शक्ति के ऊपर साइड वाला व्हाइट वाला घर होता है ना, व्हाइट और रेड वाला, तुम लोग इस वाली जगह पे आ जाना। फिर तुम्हारा जो मिनी लॉन्च पैड होता है ना तुम लोग इस वाली जगह पे कुछ ऐसे लगा देना है। और ना जैसे ही तुम लोग का मिनी लॉन्च पैड प्रॉपर इस वाली जगह पे लग जाएगा फिर तुम लोग इसके ऊपर चढ़ना है। फिर तुम्हारा जो लीव और मिनिमाइज का बटन होता है ना दोनों को साथ में दबा के गेम में वापस आ जाना है। और फिर तुम लोग देख सकते हो तुम लोग ना पूरा इसके अंदर आ चुके हो घर के।
और ना जैसे ही तुम लोग इस पूरे घर के अंदर आओगे यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बहुत ही आराम से ना अपना रैंक पुश कर सकते हो, बहुत ही आराम से बहुत सारे किल भी कर सकते हो और इस वाली जेब ना तुम लोग को कोई नहीं देख पाएगा और बहुत ही आराम से तुम अपने फ्रेंड के साथ भी यहाँ पे आ सकते हो, अपना रैंक पुश कर सकते हो और साथ ही साथ ना तुम लोग के लिए यहाँ पे एक हिडन प्लेस भी बन जाएगा और यहाँ पे तुम लोग को कोई नहीं देख पाएगा और बहुत आराम से तुम लोग इस वाली अपना रैंक पुश करके ना हीरो को ग्रैंड मास्टर पुश कर पाओगे और यहाँ से ना अगर तुम लोग किसी एनिमी को मारते हो ना तो पूरा पगला ही जाने वाला है कि कहाँ से मेरे को बंदा मार रहा है, यहाँ पे जो एनिमी है मैं इसे मार रहा हूँ पूरा पगला चुका है कि कहाँ से मेरे को पड़ रही है और फिर तुम लोग देखते हो तो हवा में गोली चला रहा है, दीवार पे गोली चला रहा है लेकिन वो मुझे देख भी नहीं पा रहा है और ना फिर ये वाला बंदा यहाँ पे आ जाता है तुम लोग देखते हो तो फिर मैं सोचता हूँ ना इसे निकल के मुक्के से मारता हूँ कुछ ऐसे तो फिर मैं यहाँ पे निकलता हूँ मारता हूँ, फिर ये टीम अप करने लगता है मुझसे, फिर मैं इसे छोड़ देता हूँ। अभी अपने पांचवें नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग इस वाले टावर के पास आ जाना, मतलब इस टाइप के किसी भी टावर के पास तुम लोग जा सकते हो अपने मिनी लॉन्च पैड लेके और फिर तुम लोग इस वाली जगह पर अपने मिनी लॉन्च पैड को लगा देना, फिर तुम लोग इसके ऊपर चढ़ना है, फिर तुम लोग करना है कि तुम्हारा जो लिव और मिनिमाइज का बटन होता है दोनों को साथ में दबा के गेम में वापस आ जाना है और फिर देखी सकते हो तुम लोग पूरा टावर के अंदर आ चुके हो और ना जैसे ही तुम लोग पूरा टावर के अंदर आओगे यहाँ पे आने के बाद ना तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश भी कर सकते हो और बहुत सारे किल भी कर सकते हो और इस वाली जगह अपना लिटरली तुम लोग को कोई नहीं देख पाएगा और तुम लोग इस वाली जगह से अपना रैंक पुश करके ना बहुत ही आराम से बहुत ही जल्दी से जल्दी अपना रैंक पुश करके हीरो को ग्रैंड मास्टर जा पाओगे और ना अगर तुम लोग इस वाली ट्रिक को अपने फ्रेंड के सामने पहली बार करने वाले हो ना तो मतलब वो पूरा पगला ही जाने में कि क्या ही ट्रिक है वाली और इस वाली ट्रिक का इस्तेमाल करके तुम अपने स्क्वाड का भी रैंक पुश करा सकते हो। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, इन पांचों ट्रिक्स में से ना सबसे ज्यादा तुम लोगों को कौन सी ट्रिक पसंद आई कमेंट में जरूर बताना। ओके और अभी तक तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस और ट्रिक्स डेली देखने के लिए। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। तो बस अभी के लिए बस इतना ही बोलना था तो वीडियो खत्म, भागो यहाँ से।